देख लीजिए कि बहुत जागरूक किसान है, बड़े किसान भी है पंजाब के, लेकिन वहाँ जिस तरीके का वो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उनकी खेती चौपट होती जा रही है, उनको ज्यादा यूज करना पड़ रहा है। और आप देखेंगे कि वहाँ जो कैंसर और बाकी जो बीमारियां होती हैं, एक स्पेशल ट्रेन बीकानेर आती है पंजाब से और वो सिर्फ कैंसर रोगियों के लिए है। तो अब और कितनी ट्रेनें पता नहीं उनको और चलानी पड़ेगी, उसके बावजूद भी बीमारी का कहीं कोई अंत होने वाला नहीं है। अब तो ये हो गया है, जो पंजाब से बहुत सारे किसान हैं उनसे हमारा जो संपर्क है वो ये राजस्थान से उनके खाने की सामग्री खरीद रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर फर्टिलाइजर यूज नहीं किया जाता है, जैसे जवार और बाजरी का जो इलाका है, मारवाड़ का, जो पाली और इस वाले इलाके में, क्योंकि वहां बरसात के ऊपर डिपेंड है और जो बरसात से फसल होती है वहां कभी बहुत कम बारिश होती है तो वो फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं, उसमें बीमारियां होने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि वो नेचुरल खेती है, ऑर्गेनिक खेती है, इसलिए वहां से वो खाने की सामग्री खरीद के ले जा रहे हैं। तो कितनी बड़ी विडंबना की बात है, जो इलाका पहले हरित क्रांति लेकर के आया और बहुत खुशहाल बनने जा रहे थे वो भी अभी डूबने के कगार पे है, और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत नुकसानदायक चीजें हैं। और अब तो संशय पैदा हो गया कि पंजाब और हरियाणा से जो गेहूं और चावल बिकने जा रहा है, तो लोगों को संदेह मन में पैदा हो रहा है कि जब ये खुद ही वो चीजें राजस्थान से खरीद के ले जा रहे हैं और वहां की खाद्य सामग्री हमें बेच रहे हैं, तो हम क्यों पागल हैं जो हम खरीदे। तो आने वाला भविष्य पंजाब और हरियाणा के लिए बहुत खुला होने वाला है जो हरित क्रांति लेकर जाए, क्योंकि उनके चीजें मार्केट में बहुत कम बिकेगी, कोई लेने को तैयार नहीं होगा।